इतनी महंगी ज्वेलरी और वो भी खराब हो गई है। फिर सॉक्स को ले लो तो उससे भी हम बहुत परेशान रहते हैं, इसका हम क्या हल करें। और ये एक ऊन का गोला लेना है, लेकिन मैं तो बहुत ही तंग आई हुई हूँ इससे। तो फिर हमने बहुत सारी प्लेट्स, ढक्कन नहीं लेने, बस चंद ढक्कन चाहिए और एक प्लेट चाहिए हमें, इसका हमने जुगाड़ करना है कुछ ऐसा। चूड़ियाँ ये हमें क्यों चाहिए, इसका भी बताऊंगी मैं आप। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो आज मैं आपके साथ बहुत अच्छी टिप एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ। आपने क्या करना, आपकी अगर बैंगल्स तंग हैं तो आपसे नहीं पहनी जा रही, तो आप इस तरह से करके सॉक्स हाथ पे चढ़ाएं, यानी कि एक मोज़ा ले लें, उसको हाथ पे चढ़ा लें और आसानी के साथ बिना आपको हाथ जख्मी किए हुए आपकी चूड़ियाँ पहनी जाएंगी आपसे। आपको किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है, आसानी के साथ आप ये काम कर सकते हैं। तो ये देखें आपके सामने में कितनी आसानी के साथ अपने हाथ में मैंने पहन ली। और इनको अगर उतारना है तो इनको ऐसे ही आप खींच के सॉक्स पहने, ऊपर चूड़ियां करें और उतार लें, और ये इससे ना आपका हाथ जख्मी होगा ना कोई आपको परेशानी होगी। तो है ना जबरदस्त टिप, इसी तरह से करके आप इस टिप का लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा। तो ये बहुत ही अमेजिंग टिप है, आई होप आपको पसंद आई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट ट्रिप की तरफ। जो नेक्स्ट ट्रिप है वो भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। हमने ज्वेलरी लेनी है, हम इतनी इतनी महंगी ज्वेलरी ले लेते हैं, लेकिन उसका अक्सर जो बंद करने वाला होता है ना, साइड की हुक होती है जो कि एक उसके ऊपर धागा सा लपेटा हुआ होता है, ठीक है, तो वो होता है कि वो निकल जाता है, ख़राब हो जाता है। लेकिन मैं आज आपको एक आइडिया दूंगी कि आपने क्या करना है, उसी कलर का धागा लेके तो उसके ऊपर आपने इस तरह से ऊन के गोले से आपने उसके ऊपर कवर कर लेना है जो आपकी डोरी है, ठीक है। तो उसके साथ आपकी जो बहुत ही सूरत एंड बहुत ही ज़बरदस्त महंगी वाली ज्वेलरी है ना, वो आपकी ज़ाया नहीं होगी। आप किसी भी फंक्शन में पहन के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि मेरे पास ये वाली डोरी का बना हुआ था, लेकिन क्या हुआ कि मैंने आपको बताना था, एक आइडिया देना था, इसी वजह से मैंने इसका इस्तेमाल किया है। तो आई होप आपको ये आइडिया अच्छा लगा होगा। इस तरह से करके आप अपनी ज्वेलरी, अगर आप अपनी ज्वेलरी को वेस्ट होने से बचाना चाहते हैं, तो इस तरह से आप ये करके अपनी ज्वेलरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप ये टिप भी आपको अच्छी लगी होगी और आप अपनी ज्वेलरी को बहुत अच्छे से यूज़ करना जान गए होंगे। तो अब जो है नेक्स्ट टिप, वो भी आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। क्या करने वाली हूँ मैं करने वाली हूँ, दो बोतल के ढक्कन ले लिए मैंने और इसमें मैंने कर देने हैं छोटे छोटे से सुराख। और ये मैं आपको मोबाइल स्टैंड बनाना बता रही हूँ, जो कि मेरी बहनें किचन में काम करती हैं, अक्सर उनका क्या होता है कि वीडियो देखनी होती है, कोई सी भी वीडियो देखनी होती है, तो वो इस तरह से करके दो मोबाइल के ढक्कन, सॉरी बोतल के ढक्कन लेके, तो उसके ऊपर एक स्टिक लगानी है आपने, और उस स्टिक को लगा के तो फिर आपने उसको ना मोबाइल उसके ऊपर रख देना है। तो ये इतनी ज़बरदस्त आपका ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा कि आपको ज़्यादा महंगे वाले ऑर्गेनाइज़र ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। और ये आई होप आपको ये DIY अच्छा लगेगा। इसी तरह से करके आप भी अपने लिए मोबाइल स्टैंड इजीली बना सकते हैं। अक्सर क्या होता है कि हमारी बहनें किचन में रेसिपी बनाती हैं, रेसिपी देखते हुए मोबाइल पे फिर कुछ ना कुछ कुकिंग करती हैं, तो वो इस तरह से करेंगी तो वो उनके लिए बहुत बेस्ट हो जाएगा ये आइडिया। ये देखें, इस तरह से करके आप अपने मोबाइल को सिक्योर कर सकते हैं और कोई सी भी वीडियो देख सकते हैं। और इसके पीछे आपने जो शाशलिक बनाने वाली स्टिक होती है वो आपने स्टिक लगा लेनी है, ठीक है, जिसपे हम शाशलिक बनाते हैं। तो ये देखें, ये आपने गम के साथ इसके ऊपर लगा लेनी है ताकि ये सिक्योर हो जाए। एक ढक्कन पे मैंने लगा ली है, अब ये दूसरे ढक्कन पे भी लगा ली, ये दोनों पे मैंने चिपका ली है अच्छे तरीके से। ये चेक करें, बाकी के ऊपर भी आप इस तरह से ही करके लगा लें। तो ये देखिए, है ना ज़बरदस्त टिप। तो अब जो टिप है ये भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि इसका भी बहुत अच्छा सा इस्तेमाल बताने वाली हूँ। क्या होता है कि हम जब ऑयल्स की बोतल होती है वो हम शेल्फ़ पे रखते हैं, या फिर शीट होती है शेल्फ़ पे, तो वो ख़राब हो जाती, ऑयली हो जाती है। उसको बचाने के लिए आपने क्या करना है, इस तरह से चंद बोटल्स के ढक्कन ले लेने हैं। ये लेमन मैक्स का जो होता है ना, लेमन मैक्स का ये ढक्कन, जो उसकी पूरी बॉल होती है, जब हम सोप क्या आते हैं, जब वो फुल फिनिश हो जाता है
उसके बाद हमारे लिए ये चीज़ें बेकार हो जाती हैं, हम ये इनको फेंक देते हैं। लेकिन आप मेरी ये टिप देखने के बाद आप मुझे उम्मीद है कि ऐसे नहीं करेंगे। आपने इस तरह से करके दो ढक्कन इसके चार टोटल, एक तरफ दो लगाने, दूसरी तरफ भी दो लगा लेने हैं। तो इनको इसके साथ ग्लू गन की मदद से बाइंड कर लेना है। बाइंड करने के बाद ये इसके ऊपर आप कोई सी भी बॉटल रख सकते हैं जो कि आपकी शेल्फ को ख़राब नहीं करेगी। तो ये देखें, है ना ज़बरदस्त टिप। तो ये इस तरह से आपका स्टैंड बन के तैयार हो गया है। तो उम्मीद है आपको ये वाली भी टिप अच्छी लगी होगी। और इसके साथ ही मुझे याद आया कि अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप जल्दी से कर लें ताकि आपको बाद में भूल ना जाए। तो ये भी आपको आइडिया बहुत अच्छा लगा होगा। इसके अलावा आप इस तरह से स्टैंड पे मोबाइल रख के भी वीडियो देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आइडिया आपके लिए, आई होप कि आपको पसंद आएगा। तो ये देखें, जब भी हम पैंट्स लेके आते हैं तो उनके ऊपर टैग्स लगे होते हैं, रेडीमेड कपड़े शर्ट्स हों या हों पैंट्स, तो उनके ऊपर लास्ट में टैग्स लगे होते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, उनको फेंक देते हैं जब हम उनको यूज करने लगते हैं। तो आपने उनको नहीं फेंकना, आपने इयररिंग्स लेने हैं और आपने ऐसे ही ज्वेलरी बॉक्स में रखे हुए हैं अपने इयररिंग्स वगैरह, तो उनको आप ज़ाया ना करें, उनको ख़राब ना करें। उनको सेफ करने के लिए, सिक्योर करने के लिए आप इस तरह से इन टैग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने इनके ऊपर लगा देने हैं, इनके छोटे छोटे होल करके इयररिंग्स को इसमें डाल देना है। तो आपके जो इयररिंग हैं वो ख़राब नहीं होंगे, ना ही आपको ये होगा कि हमारे इयररिंग्स जो हैं वो मिसप्लेस हो गए, कोई किसी का एक पीस नहीं मिल रहा तो किसी का दूसरा नहीं मिल रहा, तो ऐसे की टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये देखें, मैं अब इसके ऊपर होल करके, छोटा सा होल उसके साथ ही हो जाएगा, तो मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ। ये देखें, ये बहुत ही ज़बरदस्त हो गया है, है ना ज़बरदस्त टिप। ये टिप भी आपको, मुझे उम्मीद है आप नेक्स्ट टाइम जो है वो ऐसे के टैग नहीं फेल करेंगे और आप इनका इस्तेमाल अपनी ज्वेलरी में लाजमी करेंगे। तो आपकी ज्वेलरी बहुत ही ज़बरदस्त सी सिक्योर हो जाएगी, मिसप्लेस भी नहीं होगी और ख़राब भी नहीं होगी। तो है ना ज़बरदस्त टिप। आई होप कि आपको ये टिप भी मेरी बहुत पसंद आई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अब नेक्स्ट टिप में, जब भी हमने नाला डालना होता है तो उसके लिए नाला डालने वाली हमें स्टिक नहीं मिलती, यानी कि नाला पानी भी कहते हैं उसको, जो कि हमें नहीं मिलती। तो आज एक बोतल के ढक्कन से आपकी नाला पानी सेफ हो जाएगी, सिक्योर हो जाएगी और आपको आसानी से मिलने लग जाएगी। आपने क्या करना है, इस बोतल के ढक्कन को लेना है और साथ में ले लेनी है डबल टेप, ठीक है। तो उस डबल टेप का छोटा सा पीस कट कर लेना आपने और फिर इसके ऊपर चिपका लेना है। आप इसको कहीं पे भी रख के सकते हैं, यानी कि कहीं पे भी हैंग कर सकते हैं। तो हम इसको किसके साथ हैंग करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। आप पहले इसके ऊपर टेप लगा लें, फिर उसके बाद आप इसको सेफ के साथ या किसी भी अलमारी के साथ इसको हैंग कर सकते हैं, ताकि आपको ये आसानी से मिल जाए और आपको इसकी कोई भी परेशानी ना हो। तो है ना ज़बरदस्त टिप। तो ये भी आपको टिप बहुत अच्छी लगेगी, आप जब देखेंगे कि मैं इसको कैसे हैंग करने वाली हूँ। तो ये देखें, इस तरह से करके आपने पहले टेप लगा लेनी है। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी ऊपर लग के तैयार हो। अब इसका आपने कैसे इस्तेमाल करना है आई मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप किसी भी डोर पे लगा लें, विंडो के लगा लें या फिर सेफ के कबर्ड पे लगा लें। तो ये देखें, इस तरह से आप इसके नाला डालने वाली हैंग कर दें और आपको आसानी से मिल सकती है। आई होप मेरी सारी टिप आपको अच्छी लगी होंगी। कोई सी भी टिप अच्छी लगी है कमेंट में लास्ट में बताइएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।